सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं, यानी कि उसकी मोटाई कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमको जाना है इंसर्ट टैब पर और एक लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये है इंसर्ट टैब, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए नीचे हमें जाना है शेप्स पे, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर लाइन वाले सेक्शन में कोई भी लाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हम ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर ली, अब ये प्लस साइन बनकर के आ रहा है। अब अपनी एक सिंपल सी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए हमने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को सेलेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल ये सेलेक्ट दिखा रही है, मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे बाहर क्लिक कर दूं तो सिलेक्शन हट जाएगा। तो दोबारा सेलेक्ट करने के लिए हमको इस लाइन पे जाना है और जब ऐसा प्लस साइन बन करके आए, यानी कि ऐसा, ठीक है, ऐसा प्लस साइन बन करके आए तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे लाइन दोनों तरफ से सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद आपको एक नया टैब मिलता है ऊपर शेप फॉर्मेट का, ये रहा शेप फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर जाना है शेप आउटलाइन पे। ठीक है, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए ये है विड्थ, विड्थ बढ़ाने का ऑप्शन। ठीक है, जब इस पर कर्सर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको सारे ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हम 4:1/2 PT वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए लाइन की जो थिकनेस थी यानी कि मोटाई वो बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस या मोटाई हम बढ़ा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।